उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मैनपुरी जनपद के करहल तहसील मुख्यालय पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा का? हमारे ये प्रांतीय संघ के आह्वान पे आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज प्रदेश भर की सभी तहसीलों में जितनी जो हमारे पूर्व में मांगे रहे, जिसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यवृत्ति जारी हुई थी, जिसमें लोगों के जो लेखपाल संवर्ग है उसकी समस्याओं की मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था। उन्होंने कार्यवृत्ति जारी करी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। एक साल बीत जाने के पश्चात हमारे एक भी मांग मानी नहीं गई। हमें एक उन्होंने लैपटॉप दिया और दूसरा फोन दिया है जो 2017 में आउट ऑफ डेट हो चुका है, और लैपटॉप दिया है जिसके लिए न तो डेटा पैक खर्च दिया है, न ही कोई अन्य भत्ते दिए गए, जिसके लिए 1000 रुपये हमें केंद्र सरकार की तरफ से सालाना और राज्य सरकार की तरफ से 250 रुपये नियत किया गया है। साथ ही साथ हमारे जो आयात प्रमाण पत्र हैं, इनके लिए कार्यवृत्ति में 5 रुपये प्रमाण पत्र के हिसाब से दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन वर्तमान में किसी प्रकार की कोई भी देय नहीं किया गया है। करहल के ग्राम कनकपुर सादा में वायरल बुखार से एक ही परिवार के 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि तीसरा जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहा है। 5 सितंबर से लागू होने वाली प्रेरणा ऐप के प्रशिक्षण का करहल के सभी शिक्षकों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि अब किसी भी प्रकार के ऐप तभी स्वीकार होंगे जब हमारी 12 सूत्रीय मांगे स्वीकार कर ली जाएंगी। यूपी के जहांगीराबाद में मुहर्रम की 2 तारीख को नगर मोहल्ला नूरफान से सोगवरों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में अंजुमन हुसैनी के नेतृत्व में मातमी जुलूस निकालकर मातम कर अपने शरीर को लहूलुहान किया। मुहर्रम की क्या तैयारी चल रही है? मुहर्रम की तैयारी चल रही है, जब हम ज्यारत बना रहे हैं और परसों को हमारा प्रोग्राम है, इसलिए हम ये ज्यारत तैयार कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है आपका? मातम का प्रोग्राम है हमारा, मातम होगा परसों को। ये मातम जुलूस क्यों मनाई जाती है मुहर्रम में? इमाम हुसैन की शहादत जो पाई है आपने, उनका ये जुलूस ज्यारत बनाती हैं और मातम हुसैन मनाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदू बाबा है, मैं यहाँ का ज्यारत का कमेटी का सदर हूँ, इसलिए ज्यारत में बनाता हूँ। एक तरफ देश के बैंकों में नए नए घोटाले आए दिन उजागर हो रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के बैंक शाखा खड्डा में बीमा कंपनियों से मिलीभगत कर खाताधारकों के खाते से बिना सहमति के बीमा कराने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें कि खड्डा नगर निवासी अरविंद कुमार के खाते से 70,000 रुपये RTGS के माध्यम से कटने का मामला प्रकाश में आया है। हाँ सर, ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलकांत चतुर्वेदी है। पद क्या है? मैं वरिष्ठ प्रबंधक हूँ पूर्वांचल बैंक में। किस संबंध की जांच आप प्रक्रिया कर रहे हैं और किसके आदेश? खड्डा शाखा में कतिपय शिकायतें आई हैं कि जो जमाकर्ता है उनका कंसेंट लिए बिना, ये आरोप है, खाता डेबिट किया गया है और कुछ बीमा कराए गए हैं, तो इस संदर्भ में मैं जांच कर रहा हूं और जांच की प्रक्रिया आगे चल रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। ये प्रारंभिक जांच है। ओके, ऊपर कीजिए ना, कहाँ से? हाँ, जरा ये बताइए कि आप ग्रामीण बैंक के फील्ड अफसर के विरुद्ध जो आपने आवेदन किया है CBI को और अन्य अधिकारियों को, उनका मामला क्या है? पूरा मामला यह है, मेरे खाते से 7,00,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है नेफ्ट के माध्यम से। हमको जानकारी है ये नहीं है, मेरा साइन है ये नहीं है, मेरा मुहर है ये नहीं है, मेरे खाते से 7,00,000 रुपया ट्रांसफ़र कर लिया। किसके खाते में वो पैसा गया है? हमको मालूम नहीं है, हमारा खाता अरविंद इंटरप्राइज के नाम से है। नहीं, पैसे कहाँ चले गए? फील्ड अफसर साहब कह रहे हैं आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आज हो गया 4-5 महीना, अभी तक पैसा नहीं मिला। ये आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, इसकी शिकायत इसके पहले CBI से पहले ब्रांच में जा कर के ब्रांच में दिए, अब ब्रांच मैनेजर को दिए थे और RM को भी दिए थे।
उन लोगों ने क्या किया? उन लोग कहें जांच होगा या फील्ड अफसर साहब कहे आपका पैसा मिल जाएगा, बस यही हल्ला वाली में तब हम सीबीआई को लिखे। तो वहाँ से क्या हो रहा है इस समय? जांच आया है आज। कौन से अधिकारी आए हुए? या कोमल कांत चतुर्वेदी जी है।